हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, और पावर शेयर अगर हम नहीं करते हैं, दैट मीन्स किसी कंट्री में पावर शेयर नहीं की जाती है, तो उस कंट्री में हमें किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में, दैट मीन्स कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। ये एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। डिवाइड दैट मीन्स अलग अलग लेवल्स पे क्या कर देते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। आपने लास्ट चैप्टर में बेल्जियम वाला केस देखा था कि वहाँ पर किस टाइप की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, किस तरीके का एथनिक कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है, एज वेल एज श्रीलंका में भी। श्रीलंका ने अपना किस तरीके का मॉडल यूज़ किया और बेल्जियम ने कैसा किया। बेल्जियम ने आपने देखा 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए और वहाँ पर क्या है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट, दैट रीजनल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की, जिससे कि वहाँ के कुछ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया गया। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसको हम बेसिकली टू टाइप्स से देख सकते हैं। दो मेन क्या नाम है फॉर्म्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, देन आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम अलग अलग कंट्री में रीजनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम फेडरल फॉर्म में देखते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उसकी अपनी खुद की कुछ पावर्स होती हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किन चीज़ों पे ध्यान रखती है, जिसमें कि पूरे कंट्री के एक तरीके से बेनिफिट्स होते हैं, मतलब पूरे देश के हित के लिए वो काम करती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है, उनकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर वो काम करते हैं। ओके, और हाँ, एक मेन चीज़ है जो दोनों के लिए है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, कि ये दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक तरीके से सिटीजंस को लेकर आंसरेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने ही तो इनको चुनकर एक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करवाई है ना, इनसे वही तो है जिसकी वजह से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए हैं। ओके, देन आता है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों होते तो ज़रूर है। ओके, काफ़ी सारी कंट्रीज में क्या है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टोटली डिपेंड होती है किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उसके पास अपने कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, वो एक तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर करती है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। क्लियर? इसी के साथ अब हम देखते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आपने पढ़ा है उसके कुछ मेन फीचर्स, ऐसी क्या खास बातें हैं जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आ जाती है, आपको बताया जैसे कि इसमें क्या होता है, लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे बता रहे सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा क्या है, लेवल्स होते हैं। जैसे कि हमने बेल्जियम वाले केस में देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन एक और थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर? तो थ्री टाइम्स आ गए ना, तो दो या दो से ज़्यादा टाइप के इसके अंदर लेवल्स होते हैं। देन आता है जो अलग अलग जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्न किसको करते हैं, एक ही सिटीजन को। क्यों? क्योंकि देश में रहने वाले नागरिक तो सेम ही है ना, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग हो सकती है बट सिटीजन्स तो सेम ही होंगे, तो इस तरीके से। और हाँ, लेकिन दोनों ही जो गवर्नमेंट हैं उनका जो एक तरीके से कहते हैं ना अधिकार क्षेत्र कह सकते हो या फिर अथॉरिटी कह सकते हो, वो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि सेंटर है तो पूरे कंट्री से रिलेटेड चीज़ों को वो हैंडल कर रहे हैं, तो उनका जो एक तरीके से अधिकार क्षेत्र है वो ज़्यादा है। जैसे कि एक तरीके से टैक्सेशन वगैरह लेना है वो उनका अपना डिफर होगा, सेंटर का अलग है स्टेट का अलग है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा दोनों का। एंड इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके अलावा हमारा थर्ड पॉइंट क्या, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकता और दोनों के लिए चीज़ें अलग अलग क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ओके, देन अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करनी है तो उसके लिए दोनों ही जो लेवल्स हैं या फिर जो बाकी भी लेवल्स हैं उनका कंसर्न होना ज़रूरी है, दैट मीन्स उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी है। क्लियर?
तो जैसे कि इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको बताऊं, तो अभी रिसेंटली क्या किया गया, आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है ना, तो उसके लिए क्या है, दोनों ही जगह को, दैट मीन्स कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी थी, उसके बिना कोई भी चेंज या फिर कोई भी अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी दोनों के क्या है, अलग अलग क्लियरली मैंशनड है कि कौन कौन से जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से उनको मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो कोर्ट है, दैट मीन जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो इन दोनों के ऊपर नजर रखने का काम करता है और वो इन दोनों की ही चीज़ों में, पावर में इंटरप्ट कर सकता है। अगर ये दोनों कहीं पर भी कोई गलत कदम लेते हैं, कोई भी गलत डिसीजन या फिर पॉलिसी बनाते हैं, तो हमारा ज्यूडिकेशन एक तरीके से उस चीज़ का अपोज कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक तरीके से हमारे जुडिशियल सिस्टम के पास ये पावर है कि वो निर्णय ले सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है, अगर उनके बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कोई भी अगर फेडरल सिस्टम, आइडियल फेडरल सिस्टम तब हो सकता है जब ये दो मेन चीज़ें हों, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड देन एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। दैट मीन्स कि अगर किसी भी सेंटर और स्टेट में भरोसा ही नहीं होगा, ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो वो कंट्री को कैसे चलाएंगे, चला ही नहीं सकते ना। तो उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी है, एंड ये कि वो दोनों ही एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, ओके। दैट मीन्स कि जो सेंटर है वो स्टेट को अपनी पावर आराम से अच्छे से देगा और उसको एक तरीके से फ्रीली उसका काम करने देगा, उसमें कोई इंटरफेयर उसको नहीं होगी, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि जो अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें, तो जो फेडरलिज्म है उसको एस्टैब्लिश करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, उन्हीं में से क्या है, दो मेन तरीके आपके सामने हैं, वो कौन से हैं, देखो नाम की तरफ बड़े अच्छे से ध्यान देना, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब देखो नाम में क्या है, कमिंग टुगेदर, दैट मीन्स कि एक साथ आना। जब क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब जो आज़ाद स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, कंट्री से है, तब जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और एक बड़ा नेशन फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। दैट मीन्स यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इसके अलावा स्विट्जरलैंड, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हो जिन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का जो फिनोमिना है उसको फॉलो किया है, ओके। देन आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब होल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक दूसरे को पकड़ कर रखना, ठीक है ना। कमिंग में तो क्या, साथ आना होता है, और होल्ड में क्या होता है, पकड़ के रखना होता है। दैट मीन्स वो कंट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, वो कंट्रीज क्या करते हैं, अपने यहाँ के डाइवर्सिफाइड जो एक तरीके से कल्चर है उसको साथ लेकर चलने के लिए अलग अलग स्टेट्स फॉर्म कर देते हैं, और उन स्टेट्स के साथ क्या किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर को शेयर करते हैं, जिससे कि उनका जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है वो मेंटेन रहे और कंट्री में इजीली सब लोग साथ मिलकर रह पाए। इसके एग्जाम्पल्स आपको पता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका इंडिया है। इंडिया में क्या है, इतने सारे स्टेट्स हैं, आप देखते हैं ना, लाइक 28 एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, तो इस तरीके से क्या है, ये सभी क्या है, एक साथ रहते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन बेल्जियम है, स्पेन है, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है, ओके। तो इसमें हमने क्या समझा कि किस तरीके से कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म के हैं, और तरीके क्या है फेडरलिज्म के जिसमें कि आप एक साथ रह सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं भारत में किस तरीके का जो फेडरल सिस्टम है वो कैसा है। अब आप सोचेंगे, देखो बेल्जियम छोटी सी एक कंट्री है, हमारे हरियाणा से भी छोटी, श्रीलंका है वो भी छोटा ही है, अराउंड हरियाणा के कम, मतलब हरियाणा के नियर अराउंड, पॉपुलेशन भी कम है, तो सोचो वहाँ पर इस तरीके की एथनिक कंपोजिशन इतनी, मतलब कम है तब भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। तो इंडिया तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नेशन है जहाँ पर इतने सारे रिलीजन है, कास्ट है, जेंडर है, ठीक है, तो इसके अलावा रीजन्स हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज ग्रुप्स भी हैं, तो यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम होनी होगी। तो यहाँ पर भी हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था, फेस करनी पड़ जाए। तो इंडिया में इतने टाइम से सारी चीज़ें अगर सही तरीके से चल रही हैं काफ़ी हद तक, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या किया गया, अगर हम देखें तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दैट मीन्स कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर थी। पहली चीज़ तो क्या कि आपको पता है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे कंट्री में उस टाइम पे, तो उन सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हेल्प से हम सब क्या है, हमारी कंट्री क्या है, उनको
एड ऑन करने में, हमारे साथ मिलाने में सक्सेस हो पाई थी, जिसकी वजह से क्या है, पूरा कंट्री, पूरे नेशन का एक डेवलपमेंट हुआ था। इन सारे प्रिंसली स्टेट्स के इन्वॉल्व होने के बाद क्या है, इंडिया को क्या बना दिया गया था, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया था यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इन सभी स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री फॉर्म कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो इंडिया को हम फेडरल नेशन नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये उसके फिनोमिना पे काम ज़रूर करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले सिर्फ टू टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, यहाँ पे टू टायर सिस्टम था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन बाद में जब हमें नीड महसूस हुई तो एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम पंचायत या फिर म्यूनसिपालिटी हम कह सकते हैं। ओके, दैट मीन्स अर्बन एंड रूरल एरियाज में डिफर डिफर, क्लियर। देन अगर हम देखते हैं तो इन सब के, इन तीनों के अपने अपने कुछ ना कुछ राइट्स हैं, और ये तीनों एक दूसरे के राइट्स में कोई इंटरफेरेंस इनका नहीं होता। देन अगर हम पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अब हम, कि इन सबके पास क्या क्या पावर्स हैं, अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इसको मेन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। ये तीन लिस्ट है जिसके अंदर हमारे कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिस पर कि जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या है। नाम से पता लग रहा होगा ना, मैंने बताया था सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर डिसीजन लेने का काम, लॉज बनाने का काम, फाइनल जो भी चीज़ें डिसाइड करनी है वो सब किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दैट मीन्स कि जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं, जो भी एक तरीके से मुद्दे हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब पर डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, क्लियर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, इन नाम की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं, दैट मीन्स डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी। जैसे डिफेंस का अगर हम बताएं तो आपको पता है कि कुछ टाइम पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसमें किसी स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, किसका था, सिर्फ सेंटर का। फॉरेन पॉलिसी दैट मीन्स कि कौन से कंट्री के साथ हमें रिलेशन रखने हैं, कैसे रिलेशन रखने हैं, ओके तो ये सारी। एटॉमिक एनर्जी कि कम हमें कौन कौन से मिसाइल टेस्ट करने हैं, ठीक है ना, लॉन्च करने हैं, चंद्रयान है, मंगल है ना, तो इस तरीके से। देन बैंकिंग, द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सब किसके कंट्रोल में है, यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, दैट मीन्स आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में। करेंसी, दैट मीन्स आपको पता है डिमोनेटाइजेशन आया था जब करेंसीज चेंज हुई थी हमारे यहाँ पे, ओके तो वो भी किसका डिसीजन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। टेलीग्राफ एक्सेट्रा, ये सारे हैं। देन आता है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर अराउंड 59 सब्जेक्ट्स हैं, और इस पर जो डिसीजन लेने का काम है, लॉज बनाने का काम है, वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। दैट मीन्स पुलिस, आपने देखा है ना, हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। लोकल जो आपको ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट मीन्स किस स्टेट के साथ आपको ट्रेड करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कहाँ पे आपको कैनाल्स बनवाने हैं, डैम्स बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट। देन आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अराउंड 47 सब्जेक्ट्स हैं, और ये वो लिस्ट है जिस पर डिसीजन लेने का काम सेंटर और स्टेट दोनों का होता है। कौन कौन से इश्यूज हैं इसके अंदर, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जिस पर कि डिसीजन कौन लेता है, सेंटर और स्टेट मिलकर। बट अगर चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स हो जाएं कि स्टेट किसी चीज़ को लेकर एग्री नहीं हो रहा, तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, सेंटर। ओके, अब सोचो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कई साल पहले बना था, तो उसके बाद तो इंडिया में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स एड ऑन हुए होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो इसी वजह से एक और लिस्ट रखी गई थी, उसे बोलते हैं रेसिडुअल लिस्ट। लिस्ट है रेसिडुअल, पता है ना, दैट मीन्स रेसिड्यू, जो बचा हुआ है एक तरीके से, जो बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको किस में रखते हैं, रेसिडुअल लिस्ट में रखते हैं, लाइक IT, सॉफ्टवेयर। और ये कमांड किसके पास है, दैट मीन्स ये लिस्ट से रिलेटेड जो पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास। अब इतनी बड़ी कंट्री है तो कुछ स्पेशल चीज़ें भी तो होंगी ना, तो ऐसा ही एक स्पेशल केस है, पूरे कंट्री को साथ लेकर चलने की आप कितनी भी कोशिश कीजिए बट कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा ही एक स्पेशल केस था उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि अभी तो हम कह सकते हैं कि सॉल्व काफ़ी हद तक हो चुका है। दैट मीन्स कि उस टाइम पे क्या था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। दैट मीन्स कि उसमें क्या किया गया था, उनको एक स्पेशल स्टेट रखा गया था। कैसे, कि उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, पार्लियामेंट्री थी, ठीक है ना, और वहाँ पर कोई इंसान जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे थी, जिसमें से कि काफ़ी सारी चीज़ें अब रिमूव हो चुकी हैं।
इसके अलावा है कि कुछ प्लेस या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं दैट मीन्स जो ना तो स्टेट के जितने बड़े हैं जिससे कि हम उनको स्टेट का दर्जा दे पाएँ और ना ही इतने छोटे हैं कि किसी और स्टेट में उनको मिला पाएँ, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो उनको हमें क्या रखना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है, लाइक दिल्ली। तो उनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो स्टूडेंट अब आप देखिए, कितनी भी कोशिश की जाए जो केंद्र दैट मीन्स जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में सारी चीज़ें सही तरीके से रखने की, बट कभी तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, हमारा जुडिशियल सिस्टम दैट मीन्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फाइनल जो भी डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट लेती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे चेंजेस है जो करना चाहते हैं दैट मीन्स कि अगर क्या नाम है कोई लिस्ट ऐसी है जिसके सब्जेक्ट में कोई चेंज करना है, तो उसके लिए आप ये नहीं है कि आपका मन किया और आपने चेंज कर दिया या फिर सिर्फ सेंटर का मन है तो चेंज हो गया, स्टेट का मन है तो चेंज हो गया। नो, दोनों को ही अराउंड 1/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ती है। ओके, और तब क्या है, एक तरीके से उसको विधानसभाओं में मंजूरी दिलानी पड़ती है, तब जाकर क्या है उसको पार्लियामेंट्री में मंजूरी मिलनी चाहिए और तब जाकर वो कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो चलता है और क्या नाम है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज की गई है। आई होप सो कि आपको ये सीरीज समझ में आया होगा, या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, गुड लक।